नगर से जहां पर परिवार पहचान पत्र को लेकर बैठक हुई। पीएसीएम वी उमाशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सभी जिलों के एडीसी और ग्रिड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं इस बैठक में। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, काफी खास ये बैठक रहने वाली है। परिवार पहचान पत्र जिस पर कई अंत्योदय के आधार पर योजनाएं आधारित हैं और उसी को लेकर जो कमियां या खामियां रह रही हैं उनको लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पीएसीएम वी उमाशंकर इस समय बैठक की अध्यक्षता करें और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे इस बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा इस समय चल रही है। देखिए, जहां तक बैठक को लेकर के बात की जाए तो बिल्कुल पीएसीएम वी उमाशंकर क्रिड के अधिकारियों के साथ, एडीसी के साथ एक बैठक हरियाणा निवास चंडीगढ़ के अंदर कर रहे हैं। बैठक का उद्देश्य है रिव्यू करना, क्योंकि इससे पहले 31 जनवरी तक का समय जो है तमाम एडीसी को दिया गया था और जो लोग हैं उनको दिया गया था कि वो अपने जो परिवार पहचान पत्र को लेकर के ग्रीवेंस है उन्हें दूर करा लें, यानी इससे संबंधित अगर कोई त्रुटि है तो उसे ठीक करा लिया जाए। उसका क्या कुछ स्टेटस है इसको लेकर के जहां रिव्यू किया जा रहा है, तो वहीं आने वाले समय में इसको लेकर के जो विपक्ष की तरफ से लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है उन तमाम पहलुओं को भी इस बैठक के जरिए दूर करने को लेकर के और उन पर भी गहन चर्चा की जा रही है। क्योंकि परिवार पहचान पत्र, तमाम जो डीबीटी स्कीम है सरकार की, अंत्योदय को लेकर के भी अगर हम बात करें या फिर बीपीएल कार्ड को लेकर के बात करें, कई स्कीम ऐसी हैं जो जुड़ी हुई हैं बुढ़ापा पेंशन से लेकर के स्कॉलरशिप और सीईटी एग्जाम तक जो है वो परिवार पहचान पत्र जैसे पहलुओं से प्रभावित होता है। तो इसलिए इसमें कोई भी त्रुटि ना हो इसी को लेकर के ये बैठक रिव्यू के तौर पर पीएसीएम वी उमाशंकर की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें सीएम मनोहर लाल ये पहले कह चुके हैं कि ये साल अंत्योदय के लिए रहने वाला है और अंत्योदय के आधार पर जितने भी योजनाएं शुरू की जा रही हैं परिवार पहचान पत्र से उन योजनाओं में काफ़ी मदद मिल रही है और ऐसे में जितने भी त्रुटियां हैं उसे दूर करने को लेकर रणनीति लगातार प्रशासन की ओर से बनाई जा रही है।